इस समय आरती की तैयारी चल रही है और चारों तरफ जो है माहौल भक्ति का है, साफ सफाई चल रही है और पूर्णतः जो भर्ती हैं वो तैयार हो चुके हैं आरती के लिए। अंदर दिया जलाने की प्रक्रिया, धूप बत्ती करने की प्रक्रिया चल रही है और थोड़ी देर में जो है आरती यहाँ पर शुरू हो जाएगी। जैसा कि मैंने कहा था, जितने व्रती हैं, भक्त हैं जो यहाँ पर आते हैं, वो आरती की तैयारी करते हैं, भंडारे की तैयारी करते हैं और वही तैयारी करते हुए यहाँ पर पूरे मंदिर में सफाई की जा रही है और इस सफाई के उपरांत जो है मंदिर की पूजा की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। सारे भक्तगण जो है यहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। पूजा की सभी तैयारियां जो हैं पूरी हो चुकी हैं और जो पुजारी जी हैं अंदर जा चुके हैं, मेन पुजारी जी अंदर जा चुके हैं। विधि विधान शुरू होने वाला है और सभी लोग अपनी यथास्थिति में आ चुके हैं और कुछ ही क्षणों में यहाँ भक्तिमय माहौल बनने वाला है। भगवान हरजू की यहाँ पर पूजा होने वाली है। जितनी भी ध्वनि यहाँ पर हैं, गोरखनाथ की ध्वनि है, देवताओं की ध्वनि है, उनकी पूजा होने वाली है। चारों दिशाओं की पूजा होने वाली है और जो नीचे मंदिर है उसकी एक पूजा होने वाली है और शंख घंटियों और मंजिरों के साथ जो है ये पूजा यहाँ पर की जाती है और चारों तरफ से घंटियों की आवाज़ जब गूंजती है और देवता की पूजा होती है तो वो देखने लायक दृश्य होता है। और मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी में एक बार आकर हरजू मंदिर के दर्शन नवरात्रों में ज़रूर कीजिए, इस आरती को ज़रूर अटेंड कीजिए। ये आरती हम लोगों को आशीर्वाद के रूप में बहुत कुछ देने वाली है।
क्या हुआ इसे?